मैं हमारे उन भाइयों और बहनों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिनके सहयोग के कारण जंगल बचे हैं, वन्य प्राणी बचे हैं, हमारा शहडोल संभाग अगर देखें तो पूरा विंध्य भी, यहाँ टाइगर रिजर्व्स भी हैं। उन वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए जनता ने बलिदान भी दिया है, मैं उनका आभारी तो हूं ही। वन्य प्राणी बच रहे हैं यह जरूरी भी है, क्योंकि प्रकृति में संतुलन रहना चाहिए, धरती सबके लिए है। लेकिन कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में कभी कभी, भगवान करे कभी ना हो, लेकिन वन्य प्राणियों के हमले के कारण कुछ भाई और बहन अपना जीवन बलिदान कर देते हैं, उनकी हमें चिंता करनी चाहिए। हाथी भी अब हमारे प्रदेश में है और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ना हो, उसके लिए जागरूकता अभियान और बाकी सारी चीजें तो चलाएंगे ही, लेकिन भगवान ना करे कभी वन्य प्राणी के हमले में किसी इंसान की मृत्यु होती है, बेटा बेटी की मृत्यु होती है, तो अभी केवल 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है परिवार को, पीड़ित परिवार को। उस राशि को बढ़ा के मैं 8 लाख रुपया कर रहा हूं। भगवान ना करे ऐसी घटना हो, लेकिन ऐसी घटना में अगर किसी की जान जाती है तो उसके परिवार का ध्यान रखना यह हमारी ड्यूटी है। घायल का इलाज और उनको कंपनसेशन की व्यवस्था है, उसको और बेहतर करने की जरूरत है तो हम और बेहतर करेंगे। वन्य प्राणियों के कारण, हाथियों के कारण भी फसलों का भी नुकसान हो रहा है, और इसलिए एक बार उसकी पूरी समीक्षा करेंगे। हमने प्रावधान किया है कि सिंचित फसलों में अगर 50% से ज्यादा नुकसान वन्य प्राणियों के कारण फसलों को होता है तो सिंचित